अरे बापूजी, आप ये जमीन पर क्या कर रहे हैं? ये जमीन ठीक से साफ हुई कि नहीं वो चेक कर रहा हूँ। बराबर साफ हुई कि नहीं? अरे दादी, दादाजी जमीन पे गिर गए हैं। अरे लेकिन बापूजी गिरे कैसे? सॉरी मम्मी, वो पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरा धक्का दादाजी को लग गया और दादाजी नीचे गिर गए। बेटा, मन लगा के पढ़ना ये अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई का भी कोई समय होता है। ये नहीं कि एग्जाम शुरू होने तक पढ़ाई करे, उल्टा एग्जाम की चिंता में दिमाग में जो होता है ना वो भी साफ हो जाता है। इसके लिए बेटा, जब एग्जाम देने जाते हैं ना, उसके 2 घंटे पहले दिमाग को आराम देना चाहिए। दादाजी, मैंने वो ही किया। हाँ, लेकिन फर्स्ट तो मुझे आने ना, बाल तो मेरे अम्मा, बाल तो मेरे ठीक है ना? अरे एकदम मस्त लग रहा है। कटेंगे क्या मेरे बाल? नहीं नहीं, तुम्हारे मार्क्स, क्योंकि तुम अपना पेंसिल बॉक्स तो यही भूल के जा रहे थे। कोई बात नहीं, ला रख मुझे दे, ला। हाँ। ये मैं रखता हूँ अंदर। हाँ, ये रख, डाल एक तरफ। हाँ, जरा भी टेंशन मत करना और अच्छे से पेपर लिखना है ना। जा, हाँ। ध्यान देना। हाँ, हाँ। चलो जाओ और रेस्ट करो। वो एग्जाम देने जा रहे हैं, सोने के लिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, बेस्ट करो, बेस्ट। हाँ वही, सेम टू सेम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिखना। हाँ? हाँ। मेहर, आज बेस्ट ऑफ लक की तो बहुत जरूरत है, वरना मुझे गंजा होना पड़ेगा। मानव, मानव, तुझे एग्जाम में फेल होने से और गंजा होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। युद्ध में दुश्मन को कमजोर समझने वाला बुद्धिमान नहीं होता है छलपरी। एक और छलपरी, मेरा वार हो इतना असरदार कि उड़ा दे इनके होश मेरी शक्ति विस्तार। कितनी छल परियों को समाप्त करोगी विजधार परी? आज तुम हमारा खात्मा नहीं कर सकती नटखट परी। ये छलपरी की संख्या तो कम ही नहीं हो रही, इसलिए तो हमारे बार बार वार करने पर भी छल परियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। मानव, तू टेंशन लेना छोड़ दे। लेकिन कैसे छोड़ूं मैं? ये लो, टेंशन तो सामने ही है। गुड मॉर्निंग मंटू जी। गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। कंगी? हाँ, वो क्या है ना, गंजा होने के बाद मानव को इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो मैंने सोचा
कि इसके सारे अरमान अभी पूरे कर डालो। वाओ कितना अच्छा दिख रहा है मानव। बॉस का दिल बहुत बड़ा है और उनका पेट भी, मतलब वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते है ना बॉस, भले ही वो बुरा हो। चुप करो तुम दोनों। सो मिस्टर मानव, आर यू रेडी गंजा होने के लिए? मंटू जी, हाँ तो मैं क्या कर रहा था, हाँ मंटू जी, क्या किसी तरह आपकी आदर्श जा नहीं सकती? मतलब हमने तो चैलेंज वैलेंज रखा है, वो हम भूल जाए तो? नहीं, बस 2 मिनट के लिए अपनी बेवकूफियां करना भूल सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज नहीं। अच्छा तो मैं भी इस चैलेंज से पीछे नहीं हटूंगी, मतलब मैं हट सकता हूँ मंजू जी, ठीक है? हाँ तो तू यही तो पीछे हटते जब हाथी आगे बढ़ता है। मतलब बॉस आप आगे बढ़ोगे आप? तो मैं भी तैयार हूँ इस चैलेंज के लिए। लेकिन मंजू जी मैं तैयार नहीं हूँ गंजा होने के लिए। बच्चों तो सब तैयार हैं टेस्ट के लिए? यस सर। इतना ऊंचा तुमने यस बोला है, मुझे उम्मीद है नंबर भी उतने ऊंचे लाओगे। बिल्कुल लाएंगे सर, वैसे भी ये चश्मे से तो। मोंटू तुमने चश्मा अभी तक पहना है? अरे सर अब भूल गए, मैंने आपको कहा था ना मुझे फैलने वाला आई इन्फेक्शन हुआ है। हाँ अभी तक ठीक नहीं हुआ। नहीं सर आप चेक करना चाहेंगे? नहीं नहीं सर आप चेक कर लीजिए। नहीं नहीं सर आप चेक कर। नहीं मंटो सर चेक कर। नहीं नहीं अच्छा दिखा। नहीं सर। अच्छा दिखाओ। नहीं सर। अच्छा एक बार दिखाओ। नहीं सर। ला दो। अरे सर आप भूल गए, अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा तो इन्फेक्शन आपको भी हो जाएगा सर, और फिर हमारे पेपर कौन चेक करेगा? कौन चेक करेगा सर? कौन चेक करेगा सर? पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है ना? अच्छा आप चलो अपनी अपनी सीट पर और टेस्ट लिखने की तैयारी करो, सबकी बुक अंदर जानी चाहिए। क्या हुआ बाल्दी, इतनी जल्दी थक गए? मैं इन भयंकर परियों को खत्म करते करते थक गया हूँ, लेकिन ये परियां तो वापस से उतनी ही बढ़ती जा रही है। इतनी सारी भयंकर परियां पता नहीं कहां से आ रही है। जागे की रणनीति बनाने के लिए कुछ देर तक उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पे जाना होगा। अच्छा हुआ परियों पा गई, भयंकर परी की संख्या तो बढ़ती ही जा रही और मुझे उन्हें रोकने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। हाँ बालवीर, लेकिन सिर्फ भयंकर परियां ही नहीं बल्कि छल परी की तादाद भी बढ़ती जा रही है। क्या वो देखो। हाँ? और जितनी तेजी से इनकी संख्या बढ़ती जाएगी हमारे लिए इन्हें नष्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। हाँ हमें तो समझ नहीं आ रहा कि भयंकर परी और छल परी ने अपनी जैसी दिखने वाली इतनी सारी परियां कैसे बनाई है। और इसलिए असली भयंकर परी और छल परी का पता लगाना असंभव हो गया है। हाँ?
कहीं ऐसा तो नहीं भयंकर परी हमें भटकाने के लिए ये सारे भ्रम पैदा कर रही है? और अगर ऐसा है भी तो इनमें से हम असली भयंकर परी और असली छल परी कैसे ढूंढ पाएंगे? ये जानना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं अटका जी परी। और इनमें से असली छल परी और भयंकर परी को पहचानने की एक युक्ति है मेरे पास। कैसी युक्ति बाजी? मैं अपने जादुई डंड से एक तेज रोशनी आसमान में भेजूंगा और हमें उस रोशनी की मदद से असली छल परी और भयंकर परी की परछाई दिखाई देगी। और जो नकली है उसकी परछाई नहीं दिखाई देगी। तो जल्दी करो बालवीर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ विजदार परी। भयंकर परी के छल से हम जीत जाए इसलिए आसमान में तेज रोशनी फैल जाए। ये कोई भ्रम नहीं बल्कि छल परी और भयंकर परी के असली अंगिनत रूप है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी ये पुरानी चालें कामयाब नहीं होने वाली बालवीर। यहां हम सब एक दूसरे का असली रूप हैं। और इसलिए हम में से असली भयंकर परी कौन है ये तुम कभी नहीं पहचान पाओगे। कभी नहीं। और अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें हम सब का अंत करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए असंभव है। बच्चों 45 मिनट हैं तुम्हारे पास इस पेपर को खत्म करने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। स्टार्ट राइटिंग। गलती से साइंस का पेपर मिल गया है। मुझे भी। बानो मेहर, साइलेंस। कोई बात नहीं करेगा। सॉरी सर, पर गलती से इंग्लिश के बदले हमें साइंस का पेपर मिल गया है। हाँ। इसमें कोई गलती नहीं है, आज साइंस का ही पेपर है। नहीं सर, आज साइंस का नहीं, आज तो इंग्लिश का पेपर है ना। क्या मजाक कर रहे हो, तुमने नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा था क्या? सर
आपने क्लास में चिक चिक के कहा था ना, मतलब सर आपने क्लास में कहा था ना कि आज साइंस का पेपर ही होगा। इंग्लिश का पेपर था अगले हफ्ते। सर हमने नोटिस बोर्ड पढ़ा था, पर कल आपने हमारे घर पे फोन करके बोला ना कि आज साइंस का नहीं बल्कि इंग्लिश का पेपर है। हाँ, और उसी हिसाब से हम पढ़ कर आए सर। मैं क्यों फोन करूंगा? अरे सर, जब बच्चे एग्जाम में पढ़कर नहीं आते ना, तब बच्चे ऐसे ही बहाने बनाते हैं। मोंटू तू चुप कर वरना पीट दूंगी। सर हम झूठ नहीं बोल रहे। तो तुम्हारा क्या मतलब है? सर झूठ बोल रहे? मैं तो झूठ बोलूंगा? गलत बात है मानव मेहर, मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सच में सर आपका फोन आया था। अच्छा, अगर तुम्हें फोन आया था तो हमें भी नहीं आया। बोलो सर, एक तो मैं पहली बार आज अच्छे से पढ़ के आया और ये मेरा कीमती समय वेस्ट कर रहे सर। सर मुझे पेपर लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है सर, डिस्टर्ब। हाँ हाँ, सब बच्चे अपने अपने आंसर्स लिखना शुरू करो। और मानव और मेहर, तुमने नहीं पढ़ा है तो जितने भी आंसर्स आते हैं वो लिखो। लेकिन सर। मानव सिट डाउन, नहीं तो मेरे को क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। मानव मेहर, कल साइंस का नहीं इंग्लिश का पेपर है, क्योंकि ऐसा प्रिंसिपल सर ने कहा है। मानव मेहर, बेटा तुम्हारे सर का फोन है। यानी मानव फोन पे केवल था सर नहीं। हाँ मेहर, मैंने तो साइंस के टेस्ट का कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब मैं क्या लिखूंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा मेहर। और गंजा भी। सर मेरा पेपर। अरे वाह माना, इतनी जल्दी पेपर लिख के खत्म भी कर लिया? सर जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो लिखूंगा क्या, इसलिए ये पेपर एकदम खाली है। अरे क्यों, अरे कुछ तो लिखो जो आता है। सॉरी सर, सॉरी। मानव रुक जा, तू अभी क्यों सॉरी कह रहा है? अभी सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉरी तो तू तब महसूस करेगा ना जब तुझे एहसास होगा कि तूने इस टेस्ट को पूरी करने की कोशिश भी नहीं की। सर मैं पहली बार इतना पढ़ कर आया, इतना लिखने का मन करा है, पर ये दोनों की बकवास खत्म नहीं हो रही, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है सर, डिस्टर्ब। कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, अपने आंसर लिखो। माना तो शायद भूल रहा है कि बालवीर हमें क्या कहता है। वो हमेशा कहता है ना कि कोशिश करने के बाद मिली हार इतनी भी बड़ी हार नहीं होती जितनी की कोशिश किए बिना ही हार मानने में होती है। हाँ मैर, तू सही कह रही है, लेकिन मैं क्या करूँ मैर, जब हमने दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी की है तो। मानव तू मुझे एक बात बता, जब सर क्लास में पढ़ाते हैं तब तू उन्हें ध्यान से सुनता है या नहीं? सुनता हूँ और अच्छे से समझने की कोशिश भी करता हूँ। तो मानव तू क्लास में ध्यान से उनकी बात सुनता है तो फिर क्लास खत्म होने के बाद तू सब कुछ भूल जाता है? बिल्कुल नहीं सर, हमें इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि अगर उसे ध्यान से एक बार सुन लूँ और समझ लूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो फिर मानव परेशानी क्या है? सर ने जो क्लास में पढ़ा है उसे ध्यान से याद कर और लिख दे सारे आंसर्स। तुझे कुछ नहीं आता, ये सिर्फ तेरे मन का डर है। हाँ मेहर तू सही कह रही है, ये बस मेरे मन का डर है जो मुझे कमजोर कर रहा है। अब मैं ये आंसर्स
याद करके लिखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू मैर। तो फिर खड़े क्या हो, जल्दी जल्दी आंसर्स लिखो, 45 में से 10 मिनट पहले ही खत्म हो चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक। लिख लो जितना लिखना है तुम्हें इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लेकिन फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। आप सबकी सुरक्षा को लेकर मेरी चिंता और बढ़ गई है नटखट परी, क्योंकि छल परी और भयंकर परी समाप्त होने की बजाय और बढ़ती ही जा रही है। और जब तक हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम असली भयंकर परी और छल परी को समाप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ बाली, इन्हें नष्ट करने का कोई उपाय भी तो नहीं है हमारे पास। उपाय नहीं है तो उपाय मिल जाएगा, लेकिन हम इस तरह हार नहीं मान सकते नटखट परी। लेकिन जब तक हमें कोई उपाय मिलता है, तब तक उन दोनों की सेना हम तक पहुँच चुकी होंगी। इसलिए भले ही हम इनकी संख्या को नष्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन इन्हें हम तक पहुंचने से रोकने का कोई तो उपाय करना होगा बालवीर। भयंकर परियों, आग के गोलों से आक्रमण करो। परियों, तेजाबी गोले से आक्रमण करो। वो देखो बालवीर, दोनों तरफ से आग और तेजाब के गोले हमारी तरफ आ रहे हैं। अगर उन्होंने आग और तेजाब का गोला भेजा है तो हम जल का गोला भेजेंगे, जो इस आग को बुझा देगा और तेजाब को ठंडा करके इन दोनों गोलों की शक्ति समाप्त कर देगा। आप सही कह रहे हैं बालवीर। सप्लीमेंट। मोंटो, आंसर शीट में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, फिल्म की कहानी नहीं। वो ही लिख रहा हूँ। क्या फिल्म की कहानी? नहीं सर, आंसर्स, और आधे आंसर्स मैंने लिख भी दिए। अरे आधे आधे क्यों लिख रहे हो, पूरे नहीं आते क्या? सर, क्वेश्चन पेपर के आधे क्वेश्चंस के आंसर लिख के हो गए, अब आप सप्लीमेंट दे रहे हो या पापा को फोन लगाओ? मजाक कर रहा था बेटे, पहली बार है ना। थैंक यू सर।
सर। नहीं, चलते एग्जाम में कोई टॉयलेट नहीं जाएगा। सर, सप्लीमेंट। सर, हो गया पेपर? नहीं, सप्लीमेंट। पहली बार बालवीर और सारी परियों को इतना समय लग रहा है भयंकर परी और छल परी को हराने में। बालवीर और सारी परियां ये लड़ाई करते करते थक जाएंगे, लेकिन भयंकर परी की सेना खत्म नहीं होगी। सिर्फ एक ही तरीका है इस लड़ाई को जीतने का, और वो है सबसे पहले जाकर गूंज लोग को खत्म कर देना। पर ये संदेशा मैं बालवीर तक कैसे पहुंचाऊं? कैसे? हाँ, है एक तरीका। ओके बच्चों, टाइम ओवर, लिखना बंद। दो, तीन, चार, पांच, छह। सर सर एक मिनट, टाइम ओवर हो गया। आज पहली बार मोंटू लखानी की आंसर शीट कितना मोटी है। नहीं, तुम बेकार है। नहीं, भरी हुई है। वो क्या है ना सर, मैंने एकदम जी जान लगा कर पढ़ाई की, इसलिए जी जान लगा कर पेपर भी लिखा। लेकिन बॉस, अपने जी जान लगा कर कहा, आपने तो चश्मा लगा कर पेपर दिया है। देखो सर, देखो मेरे आंखों में जैसे फैलने वाले इन्फेक्शन हुआ ना, वैसे इसके मुंह में भी हुआ है। देखो कैसे फैलते जा रहा है। नहीं नहीं, कीप इट अप, यहां बस। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, एक घंटे में आप सबको रिजल्ट पता लग जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। थैंक यू सर। मानव, एक घंटे में तो पूरे स्कूल के सामने गंजा होकर घूमेगा। गंजा मानव टगली। गंजा कौन होगा, ये तो रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। गंजा मानव डगली या गंजा मोंटू लखानी? मैं, रिजल्ट मुझे पता है और मैं ही फर्स्ट आऊंगा, क्योंकि इस चश्मे की मदद से मैंने हर आंसर पूरा का पूरा कॉपी किया। इस बार फुल मार्क्स मुझे ही मिलेंगे। ये हमारे लिए सिर्फ कुछ पलों की जीत है, क्योंकि भयंकर परी हम तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेगी। काश बाल परी आज हमारे साथ होती, क्योंकि रानी परी के अलावा सिर्फ बाल परी के पास इन रहस्यमयी शक्तियों का तोड़ है। लगता है आपकी इच्छा पूरी हो गई नटखट परी।
वो देखिए बालपरी की चोटी। गुंज लोक नष्ट करो। ये बाल परी बहुत चालाक है, उसने अपनी चोटी से संदेश भेज दिया। अब क्या होगा भयंकर परी? बालवीर को हमारी सेना को समाप्त करने का उपाय पता चल गया है। चलने दो, इससे पहले कि वो हमारी सेना को खत्म करे, मैं बालवीर को खत्म कर दूंगी। गूंज लोक नष्ट कर दो, ये क्या है नटखट परी? गूंज लोक में एक ऐसी मायावी गुफा है जिसमें किसी भी इंसान या वस्तु का नाम पुकारा जाए तो वो गूंज कर उसी रूप में दुगनी मात्रा में लौटती है। हाँ बालवीर, और गूंज लोक के भयंकर परी और छल परी की कभी ना खत्म होने वाली सेना का राज। हाँ, इसीलिए बाल परी चाहती है कि सेना को समाप्त करने के लिए पहले हम गूंज लोक को नष्ट करें। तो ठीक है परियो, मैं गूंज लोक जाऊंगा और वहां जाकर गूंज लोक को नष्ट कर दूंगा, और आप सब बाल परी के बालों की सहायता से बाल परी तक पहुंचकर उन्हें बचाने का प्रयास कीजिए। नटखट परी, आप मुझे बताइए कि गूंज लोक कहाँ है। ठीक है बालवीर। ये लो बालवीर, ये दिशा दिखाओ यंत्र है, ये तुम्हें गूंज लोक तक ले जाएगा। जैसे ही इसमें से तेज रोशनी निकले तुम समझ जाना कि तुम गूंज लोक पहुंच गए। शुक्रिया नटखट परी, आप अपना और माँ का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर, तुम भी अपना ख्याल रखना। चल परी, मैं बालवीर को गूंज लोक तक जाने से रोकती हूँ, तुम इन परियों को बाल परी तक पहुंचने से रोको। रोहित, गंजा होने के बाद कैसे लगेगा ना? कौन, आप? मैं नहीं, मानव। वो तो पूरा बंदर लगेगा। By the way, हम उसे गंजा होने के बाद क्या बुलाएंगे? मानव। क्या बॉस, गंजा होने के बाद शक्ल चेंज होती है, नाम नहीं। रोहित, केवल हम उसे गंजा होने के बाद क्या चिढ़ा कर बुलाएंगे? रोहित समझा, मार मत। ओके, केवल बॉस के कहने का मतलब है जैसे हम बॉस को गैस का गुब्बारा, रोड रोलर, हाथी कहकर बुलाते हैं, वैसे ही हम मानव को क्या बुलाएंगे? गधे। अरे नहीं, गधे नहीं बॉस, गधे तुम आपको कहते और आपका सूट भी करता है। रोहित बॉस, जो सच है वो सच है, अब मैं इसमें उसको क्या समझाऊं? समझा मत, मार। ओके बॉस। बॉस, पर आज ये पापा मुझसे क्यों करवा रहे हो? अरे वो क्या है ना, इतना बड़ा पेपर लिखा इसलिए हाथ दर्द कर रहे। ओके बॉस। तो केवल मुझे क्या चिढ़ाना है ये मत सोचो, मानव को क्या चिढ़ाना है ना ये सोचो। समझे? समझे? समझ गए बॉस। चलो बच्चों, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, आप लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सबने टेस्ट बहुत अच्छे लिखे हैं। अब मैं जिन बच्चों ने टॉप किया है उनके नाम लूंगा। जो बच्चा थर्ड आया है उसका नाम है उसका नाम है मेहर। बस मोंटो। और जो बच्चा सेकंड आया है उसका नाम है yeah!
मानव। और जो बच्चा इस बार फर्स्ट आया है, जिसने पूरी क्लास में टॉप किया है, उसका नाम है मोंटू लखानी। क्या हुआ? चौक गए ना? अब देख क्या रहे हो? ठोको ताली। शाबाश, कीप इट अप मोंटो, कीप इट अप। आशीर्वाद सर। अरे तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम भी तो बिना पढ़े लड़ाए हो। वो दुखी इसलिए सर क्योंकि मानो बाल बाल बच गया ना फर्स्ट आने से। लेकिन इस वजह से तुम्हारे बाल नहीं बचेंगे। रोशनी आ रही है, इसका मतलब है कि गुज लोग आ गए। मदद के लिए शुक्रिया दिशा। दिखाओ यंत्र। तो ये है गुंज लोग, मैं अभी इसे नष्ट करता हूं ताकि भयंकर परी और छल परी के अंगिनत रूप गायब हो जाए। इतनी भी क्या जल्दी है बाली? पहले हमसे युद्ध तो कर लो। तो ठीक है, अब मैं सबके साथ साथ तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। दिन में सपने देखना ठीक नहीं है बाली। तुम गूंज लोग आ तो गए हो मगर उसे नष्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसे नष्ट करने से पहले हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। बालपरी आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ हम ठीक है। नटखट परी, हमें सबसे पहले बालपरी को इस जादुई कैद से आजाद करना होगा। हाँ गालपरी। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बालपरी। तो क्या गूंज लोग नष्ट हो गया है? नहीं अभी तक नहीं, पर बालवीर गया है गूंज लोग को नष्ट करने के लिए। हाँ बालपरी। बालपरी इससे पहले कि भयंकर परियां और छल परियां यहाँ पहुंचे, हमें इस महल से निकल जाना चाहिए। हाँ बालपरी जल्दी चलिए। सोचा सही है तुमने परियों। पर जैसा तुमने सोचा है वैसा होगा नहीं।
नहीं छल परी, बल्कि हमने जो सोचा है ना उससे भी बदतर अंजाम होगा तुम्हारा। पहले खुद को तो बचा लो मुझसे, आज चोरों का ऐसा विस्फोट करूंगी कि बेसुरी सरगम की तरह तीनों लोगों में बिखर जाओगी तुम सब। साइंस के टेस्ट के बाद अभी भागने का रेस है क्या? नहीं महल, मेरे बालों का केस है। मतलब मुझे मेरे बाल मॉन्टी से सेव करवाने, वरना मेरे बाल साफ कर देगा। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन तो आप है ना, क्योंकि क्लास में फर्स्ट आप आए हैं। हंसी रहे तुम? अरे बॉस, इसने आपको इंटेलिजेंट कहा ना, व्हाट अ जोक। मानो मैं, अगर तुम भूल गए होगे तो मैं तुम्हें याद दिलाऊं, लास्ट टेस्ट में मैं फर्स्ट आया हूँ। इसका मतलब क्या रोहित केवल? यही, आप चीटर हो। चीटर हूँ? अरे लास्ट में फर्स्ट मैं आया हूँ, तो अब आगे क्या होगा? इसकी खुशी में आप हमें पिज्जा और बर्गर खिलाओगे। और बॉस, 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 बॉस। शर्त क्या लगी थी? और बॉस, हमारी आपसे कब शर्त लगी थी? तुमसे नहीं, मानो मैं से शर्त क्या लगी थी, भूल गए? अगर एग्जाम में फर्स्ट मैं आया तो मानव को गंजा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या रोहित केवल? यही, या फर्स्ट आयो। सही, आगे बढ़ो। अरे शर्त मैं जीत गया हूँ, तो इसका मतलब गंजा कौन होगा? मोंटू बॉस। अरे अरे बॉस, पूरी बात तो सुनो, मोंटू बॉस गंजा मानव होगा। सही जवाब, सही जवाब मोंटू जी। मैं अभी जाता हूँ और दो मिनट में गंजा होकर आता हूँ। चल चल चल। एक मिनट मानव, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो क्या है ना, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अंकल, अंकल ये मेरा फ्रेंड मानव, अब इसके सारे बाल उड़ा दो। अरे तू क्या किया? बस मानो भाग गया। वो तो मुझे भी दिख रहा है, तुम दोनों में मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, वरना उसके साथ तुम्हें भी गंजा कर दूंगा। अरे अरे बस पकड़ दे। नहीं बालपरी, इस अस्त्र को कोई भी सुरक्षा कवच नहीं रोक पाएगा। तुम सच्चाई के ऐसे लोहे की ढाल हो बालवीर, जिस पर आज जंग लगने वाला है, और अगर एक बार लोहे पर जंग लग जाए उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता। एक मामूली सा वार भी उसे भेद देता है। भयंकर परी, सच्चाई और अच्छाई की डाल पे जंग नहीं बल्कि रंग लगते हैं।
और वो भी हिम्मत और ताकत के। और हिम्मत से बनी ढाल को कभी कोई भेद नहीं सकता। तुम्हारे ऊपर चढ़ा आज हर रंग फीका पड़ जाएगा बाली। अच्छाई के रंग कभी फीके नहीं पड़ते भयंकर परी, बल्कि मुश्किलों के समय में उसका रंग और भी गहरा हो जाता है। और जब वो तुम जैसी बुराई की आंखों में पड़ता है, तब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अंधेरा तो आज तुम्हारे जीवन में होगा बाली। कैसे बचोगे हमारे जादुई डंड से? जादुई डंड? हाँ, भयंकर परियों के वार से बचने का और गुंज लोग को नष्ट करने का एक ही रास्ता है। मुझे अपनी चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, जिससे सारी भयंकर परियों के लोहे के डंड मेरी ओर आकर्षित होकर खींचे चले आए। बातों से नहीं, शस्त्रों से वार करो बालवीर। तोड़ना है भयंकर परी और उसकी सेना का घमंड। इसलिए सुनहरी चुंबकीय शक्ति जागृत आक्रमण परियों। सच्चाई का लोहा कभी ना पिघल सकता है और ना ही उस पर जंग लग सकता है, और इसीलिए बुराई ने हमेशा अच्छाई का लोहा माना है और उसके सामने सर झुकाया है। कैसे? जरूर बालवीर, उस गूंज लोग को नष्ट करने में कामयाब हो गया है परियो। और अब नष्ट होने की बारी तुम्हारी है छल परी। शाबाश रोहित, केवल शाबाश। पकड़ कर रखो उसे। मानव, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तुझे टकला होने से कोई नहीं बचा सकता मानव। लग रहा है
के मेरे ऊपर बुलडोजर चढ़ गया है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर पानी का टैंकर चढ़ गया है। उठो! उठो! तो रोहित केवल नाटक मत करो वरना रोड रोलर मतलब मैं तुम्हारे पर वापस गिर जाऊंगा। तो पकड़ो मानव को, उठो जल्दी। घरी के तरफ भयंकर परी, हमने तुम्हें बहुत मौके दिए सुधरने के, फिर भी तुम नहीं माने। और इस बार हमसे हमारी रानी परी को छीनकर तुमने अपनी जीवन की रेखा खुद मिटा दी है। भयंकर परी के जीवन की रेखा सिर्फ भयंकर परी के हाथ में है और उसे कोई छू भी नहीं सकता। हे विजदार परी, बजाओ जीत का शंख और जला दो भयंकर परी के पंख। तुमने मेरे पति नहीं, मेरे परिवार की पहचान की नहीं है। मैं तुम्हें तोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे पंख जल गए लेकिन तुम्हारे अंदर की बुराई अभी भी उड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस, अफसोस भयंकर परी, आज के बाद तुम कभी उड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर की बुराई कभी नहीं उड़ पाएगी, कभी नहीं। ये तो तुम्हारी सजा की शुरुआत है भयंकर परी, क्योंकि अब मैं तुम्हें अथाह ब्रह्मांड चक्रव्य में भेज रहा हूं जहां से तुम कभी भी वापस नहीं लौट पाओगे। छल परी, तुम्हें अपने छल पर बड़ा घमंड है ना? आज देखना कैसे तुम्हारा ये घमंड का सिर हमेशा हमेशा के लिए नीचे कर देंगे। और ये सबक होगा ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हर बुरी शक्ति के लिए कि बुराई के घमंड को एक ना एक दिन अच्छाई के सामने घुटने टेकने ही पड़ते। ये सब तुम्हें हमसे हमारी रानी परी को छीनने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं बाले! अलविदा बुराई। मुझ पे दया करो परियों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने सुर बदल लूंगी और हमेशा के लिए सच्चाई की गीत गुनगुनाऊंगी। मुझे एक बार माफ कर दो परियो। नहीं छल परी, तुम्हारे मुंह से तो अच्छाई के सुर भी बुरे ही लगेंगे। अब हम तुम्हारे छल में वापस नहीं आएंगे छल परी, और तुम्हें ऐसी जगह भेजेंगे
जहाँ से तुम अपनी बुराई के सुर कभी नहीं गा पाओगी। अब तुम्हारे छल के गीत कभी नहीं गुजेंगे छल परी। वैसे तो इस छल परी को जो भी सजा दी जाए वो बहुत कम है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि इसे अतः ब्रह्मांड के चक्रव्यूह में भेज दिया जाए। नहीं, ताकि जीवन भर वहाँ अकेली रहे। नहीं, मुझे एक मौका दे दो परियों। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा के लिए सच्चाई के सितार बजाऊंगी। मेरी छल की बांसुरी से हमेशा हमेशा के लिए अच्छाई के गीत निकलेंगे। मुझे एक मौका दे दो परियों। नहीं छलपरी, तुम्हारे छल के शैतानी संगीत पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। छलपरी, तुमने जो किया है उसके लिए तुम दया के योग्य नहीं हो। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। नहीं परियो, नहीं, नहीं परियो। गंजा कर दो। अंकल मुझे नहीं, वो देखो वो मानो में ना उसे गंजा कीजिए। हाँ, उसे। नहीं अंकल मुझे गंजा मत कीजिए। नहीं 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 रुक जाओ। रोहित केवल मानव को छोड़ो, छोड़ो मानव को, वरना पीट दूंगी। मोंटू देख, देखेगा तो पूरा स्कूल महल मानव को गंजा, पूरा स्कूल देखेगा। बालवीर, बालवीर, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होगा। मुझे छोड़ो। बालवीर, 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 आपने बिल्कुल सही किया है। भयंकर परी की वही सही जगह है, अतः ब्रह्मांड चक्रव्यूह। और परियों, हम आप सबको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। आप सब ने मिलकर भयंकर परी और छल परी की ऐसी सेना को हराया है जिसे हराना संभव नहीं था। शुक्रिया बाल परी। लेकिन माँ, रानी परी हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमें हमारी जीत का एहसास नहीं हो रहा है। बालवीर, रानी परी जहां भी होंगी वो हमारी इस जीत को जरूर देख रही होंगी, और बुराई के ऊपर हमारी इस सच्चाई की जीत को देखकर वो गर्व महसूस कर रही होंगी। हाँ बालवीर, आज भले ही रानी परी हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो एक प्रेरणा बनकर हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और रानी परी तभी खुश होंगी जब हम सब खुश होंगे। बालवीर, 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 हनुमान मुझे पुकार रहे हैं। वो जरूर किसी खतरे में है बालवीर, जाओ और उनकी मदद करो। हाँ बालवीर, सबसे पहले आपके लिए आपका कर्तव्य है, और वो है बच्चों की रक्षा करना। इसलिए चाहिए बालवीर, उनकी रक्षा कीजिए। हाँ माँ।
तेरा कंघी में कैसे बदल गया? वैसे ही जैसे आप अभी मोंटू बॉस से बंदर बनने वाले हो, क्योंकि बालवीर आ गया। बालवीर? बालवीर जी, तुम अपनी शैतानी उससे बाज नहीं आओगे ना मोंटू? मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी। अरे नहीं बालवीर, ये झूठ बोल रहा है। मोंटू मानव को जबरदस्ती गंजा करवाना चाहता है। झूठ मत बोल मैं। ए? हाँ, क्योंकि सच तो ये है कि मोंटू को से जबरदस्ती। तू चुप। बालवीर जी, वो क्या है ना, मेरे और मानव के बीच में शर्त लगी थी। शर्त ये थी जिसे कम नंबर आएंगे वो गंजा होगा। और बालवीर जी, मुझे एग्जाम में ज्यादा नंबर है, इसका मतलब शर्त मैं जीता ना। क्या ये बात सच है मानो महर? हाँ बालवीर, ये बात सच है। सच है, देखा मानो महर, खुद के जोश और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम छोटी मोटी बातों पे शर्त लगा लेते हैं, लेकिन जिससे किसी को नुकसान हो और खुद को चोट पहुंचे, ऐसी शर्त हमें कभी नहीं लगानी चाहिए। सॉरी बालवीर। अब बालवीर जी, अभी शर्त तो मैं जीत गया हूँ और मानव शर्त आ गया, तो शर्त पूरी तो करनी पड़ेगी ना। अंकल काट दो। एक मिनट अंकल। बालवीर, हम ऐसे नहीं आ रहे, मोंटू ने जरूर कोई ना कोई चीटिंग की है। जी जी, चीटिंग? अरे ये क्या बोले मानो, मुझे चीटिंग की स्पेलिंग भी नहीं आती। चीटिंग क्या, बॉस को तो किसी की भी स्पेलिंग नहीं आती है। हाँ, ए बी भी कुछ नहीं आता है बालवीर जी। बालवीर जी, मैंने चीटिंग नहीं की है बालवीर जी। उसका फैसला भी अभी हो जाएगा मोंटू। हे नटखट परी, करना है सच झूठ का फैसला पक्का, इसीलिए बना दो झूठ का दुश्मन मुक्का। मोंटू, ये झूठ का दुश्मन मुक्का है। अगर तुम सच कहोगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम झूठ कहोगे तो इसकी तरफ से तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें मुक्का मिलेगा। आज तो बॉस बहुत पिटने वाले हैं। बालवीर जी, इसकी क्या जरूरत है? मानो चल, मैं भूल गया कि हमारी कोई शर्त लगी थी, तुझे गंजा होने की कोई जरूरत नहीं है। जा जा, तू घर जा। बॉस आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए आपको छोड़ रहे, वरना बॉस डरते नहीं है किसी से। हाँ, और वैसे भी बॉस ने चीटिंग की ही नहीं है तो डरेंगे क्यों? लेकिन फिर भी अगर आपको पूछ जाए तो पूछ लो बालवीर जी। चुप करोगे तो? ये लो मोंटू। अब 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 लो बालवीर जी। मुझे बताओ मोंटू, क्या तुमने परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल की है? नहीं। थोड़ा जोर से बोलो। नहीं। एकदम थोड़ी सी नकल की थी। थोड़ी सी ज्यादा ही चीटिंग की। अरे यार, तू पूरी बात तो सुन ना यार, पूरी बात सुन। बालवीर जी, थोड़ी सी ज्यादा मतलब, हाँ मैंने पूरा पेपर कॉपी करके लिखा। हाँ, मैंने की चीटिंग की, मैंने बुक में से। बालवीर जी, बुक में से मैंने चीटिंग नहीं की, मैंने कॉपी निकाल कर नहीं, बता दो। बालवीर जी, ये लीजिए, मैं अब सब सच सच बताता हूँ। ये देखिए, ये चश्मा। Thank you.
एग्जाम में फर्स्ट आ गया। देखा बालवीर, मैंने कहा था ना इस मोंटू ने कोई ना कोई चीटिंग जरूर की होगी। मोंटू तुम कब सुधरोगी? याद रखो, नकल करके तुम अच्छे अंक ला सकते हो, अपनी कक्षा में सबसे अव्वल आ सकते हो, लेकिन कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तुम कभी भी ठीक से कोई भी विषय सीख नहीं पाओगी। मोंटू याद रखो, कोई भी इंसान बिना मेहनत के सफल नहीं होता, इसीलिए ये नकल का रास्ता छोड़कर मेहनत करके पढ़ाई करना सीखो। I'm sorry, बाजवी जी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। I'm sorry, मानव ने। और मानव, तुझे गंजा होने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे जगह मैं गंजा हो जाता हूँ। तो रानी परी जिन तितलियों में बदली थी उनमें से है। बॉस कैसा लग रहा है इन पिद्दियों से हार कर? मानो मैं इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। पता नहीं नटखट परी कौन सा नया परीक्षण कर रही है इस बार। हाँ बाल परी, मुझे तो ये भी इनकी कोई नई शरारत लग रही है। शरारत है या चमत्कार, ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। हाँ। नटखट परी। बस कुछ देर और परी हूँ। जाने दो, फिर तालियां बजाना। हाँ, अरे नहीं नटखट परी, बजा रहा हूं मैं तालियां उस मक्खी की वजह से जो कर रही है मुझे परेशान बार बार लगातार। मक्खी आ गई मेरे हाथ में, अभी हूं दिखाता मैं तुझे।
होता है क्या नतीजा डूबा डूबा एक को परेशान करने का। यार मेरा महाशक्तिशाली ईंधन। महाशक्तिशाली ईंधन? महाशक्तिशाली ईंधन? लेकिन इस महाशक्तिशाली ईंधन से क्या होगा नटखट परी? हाँ, जो भी इस महाशक्तिशाली ईंधन को पिएगा वो थोड़ी देर के लिए महाशक्तिशाली हो जाएगा, और इसका एक घूंट पीते ही हमारा बल 100 गुना बढ़ जाएगा। नटखट परी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ अटकाती परी, बिल्कुल हो सकता है। मैं आप सबको अभी दिखाती हूँ। देखिए परियो, ये लोहे की छड़ी है ना? अब इस छड़ी को पहले मैं सिर्फ अपनी जादुई शक्ति से मोड़ सकती थी, लेकिन अब मैं इसे अपने बल से भी मोड़ सकती हूँ। है? आप सब देखेंगे कैसे। ये देखिए, नटखट परी, ये क्या कर दिया आपने? हुआ कैसा ये? और ये तो कुछ भी नहीं परी, इसे पीने के बाद आप सब भारी से भारी चट्टान को भी तोड़ सकती हैं। अच्छा, अरे वाह, लेकिन हमें इसकी क्या जरूरत है नटखट परी? हमारे पास तो हमारी जादुई शक्तियां है और वो ही हमारे लिए काफी है। हाँ विषधार परी, मैं जानती हूँ, लेकिन इस ईंधन का सिर्फ यही उपयोग नहीं है, ये ईंधन हमारे लिए दवा के काम भी आ सकता है। किसी को कितनी भी गंभीर चोट क्यों ना लगी हो, इसको पीते ही वो तुरंत ठीक हो जाएगी। वाह नटखट परी, आपके इरादे तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमें एक बात का डर है, कहीं ये ईंधन किसी गलत हाथों में पड़ गया तो वो लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फिर ये ईंधन हमारे लिए दवा नहीं बल्कि मुसीबत भी बन सकता है, इसलिए हमें जरा सा सावधान रहना चाहिए। मैं समझती हूँ बालपरी, इसलिए इस महाशक्तिशाली ईंधन का उपयोग हम सिर्फ जरूरत के समय करेंगे, और बाकी समय ये परीलोक के शस्त्रागृह में सुरक्षित रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। एक, इस महाशक्तिशाली ईंधन को शस्त्रागृह में सुरक्षित रख दो। जी, जो आज्ञा नटखट परी।
चली गई। हाँ गई ये मक्खी, मुझे फिर से परेशान करने चला। हे लगता नहीं सीखा तूने कोई सबक पिछली सजा का। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी चकाता हूँ मैं तुम्हें मजा डूबा डूबा एक से टकराने का। अरे हो सत्यानाश उस मक्खी का जिसकी वजह से टूट जाती मेरी ये ईंधन की शीशी। अब नहीं छोड़ूंगा उसे। कहाँ गई, कहाँ गई? ए मक्खी, हो जाओ तैयार सजा पाने के लिए। कहाँ हो तुम? शक्तिशाली ईंधन को करूं क्या मैं? कैसे बचूं इस मक्खी से? मक्खी लगता चली गई। हाथ लगाया मुझे, मुझे? अरे हाँ हाँ, हे किया तूने ये सब महाशक्तिशाली ईंधन पीके। पर कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे हर वार का बदला लेगा मेरा मित्र बालवीर। अगर है दम तुझ में तो मत जाना छोड़ के ये परिलोक, क्योंकि अभी बुला कर लेके आता हूं मैं मेरे मित्र बालवीर को, वही सिखाएगा तुम्हें सही सबक। रानी परी, रानी परी, मैं जानता हूं रानी परी कि आप यही गई हैं। मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद महसूस हो रहा है। मुझे एक बार आवाज दीजिए रानी परी, रानी परी। बालवीर, रानी परी, मैं जानता था रानी परी कि आप अपने परीलोक और बालवीर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अपनों के दिलों से तो हम वैसे भी कभी दूर नहीं होते बालवीर। हम भले उनकी नजरों के सामने क्यों ना हो, लेकिन उनकी यादों में हम सदा बने रहते हैं। लेकिन हम समय से लड़ भी तो नहीं सकते, और ये वक्त आपकी हिम्मत हारने का नहीं बालवीर, बल्कि परीलोक की सुरक्षा और बच्चों की खुशियों की जिम्मेदारी लेने का है, और परीलोक की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का है। तो जाइए बालवीर, और याद रखिए कि आप अलग हैं, अनमोल हैं, अद्भुत शक्तियों के मालिक, एक असाधारण वीर योद्धा है। लेकिन रानी परी, परीलोक को आपकी जरूरत है। तो हम हैं ना यहाँ, और हमारे पहले जो रानी परियां थी वो भी यही है हमारे साथ, और हमारे बाद जो रानी परी बनेगी
वो भी निश्चित समय के बाद यहीं पर आएगी। समय बदलेगा, परीलोक बदलेगा, परियां बदलेंगी, लेकिन आप नहीं बदलेंगे बालवीर, क्योंकि तीनों लोकों में आप सिर्फ एक हैं। तो जाइए बालवीर और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हमारा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। खुश रहो बालवीर, सदा खुश रहो। करके परेशान बालवीर के मित्र डुबा डुबा को उस शैतानी मक्खी ने है की बहुत बड़ी गलती। अभी बुलाता हूँ बालवीर को और लटकवा देता हूँ उस मक्खी को उल्टा, या फिर बनवा देता हूँ उस मक्खी को मच्छर। अभी बाहर अरे देखते ही इसे आ गया मेरे मुंह में पानी। इसलिए देता हूँ उस मक्खी को सजा बाद में, पहले खा लेता हूँ ये हिम क्रीम। अंकल 3 आइसक्रीम दो और हमें 4। ना 3 मिलेगी ना 4। अच्छा तो 5 दे दो। आइसक्रीम की दुकान डालनी है अंकल, अब 3 ही आइसक्रीम दो। भाई मेरे पास सिर्फ 1 ही बची है। अच्छा तो ठीक है ना, बस आप और रोहित आगे जाके खा लो, मैं यही खा लेता हूँ। अंकल दो। 1 मिनट अंकल। रोहित तुझे आइसक्रीम खानी है? हाँ। मैं खिलो एकदम मस्त वाली आइसक्रीम। हाँ जी कौन सी? अरे मैं खिला दूँ ना? हाँ। तुम दोनों यहाँ चुपचाप खड़े रहो, वो बची हुई आइसक्रीम मैं खाऊंगा। लेकिन बॉस हम यहाँ खड़े रहकर क्या करेंगे? मेरा मुंह देखो। देख लेते बॉस, पर देखने वाले का मुंह तो अच्छा होना चाहिए। सॉरी सॉरी बॉस। आप वो आइसक्रीम मुझे दे दो, क्योंकि वो आइसक्रीम मुझे खानी है। ये आखिरी हिम क्रीम और है खाने जरा ये उसे, लेकिन नहीं खाने दूंगा इसे हिम क्रीम, क्योंकि है खानी मुझे ये। ये लो। ए, ये आइसक्रीम वापस कर, ये मेरी है। नहीं ये हिम क्रीम मेरी है, क्योंकि मेरी नजर पहले पड़ी थी इस पे। तेरी नजर पहले पड़ी थी ये पता नहीं, लेकिन बॉस एक पड़ेगी ना तो तुझे नजर आना बंद हो जाएगा। डरता नहीं मैं किसी से। हाँ रोहित आपको हिम क्रीम खानी है ना? हाँ। अरे ये आइसक्रीम क्या चीज है, मैं आपको इससे भी बढ़िया चीज खिलाता हूँ। अच्छा अच्छा मेरा मुक्का। तुम सबने सही नहीं किया मेरा अपमान करके। ए चुप, अभी तक तेरा अपमान किया ही कहा है मैंने? अगले टाइम से मेरी चीज छीनने की गलती मत करना, समझे बच्चे? Sans
सबक सिखाऊंगा बालवीर से इस मोंटू को मैं। वो बुलाता बालवीर को अभी। था मुझे इसी पल का इंतजार सदियों से कि कब बनूंगा मैं प्रधान। लेकिन देखो मेरी किस्मत, था बनना मुझे राजा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, किसने कहा कि तुम बन गए हो यहाँ के राजा। मैं बनूंगा दगड़दुम दुम दगड़दुम दुम दगड़दुम दुम दगड़दुम दुम यहाँ का राजा और तुम प्रधान। करो शर्म, मत करो मेरा दिमाग गरम, वरना बरसने लगेंगे आग के गोले। दगड़दुम, सच में आ रहा है आग का गोला। किधर? सामने। अरे सामने तो दिख रहा हूँ। मेरे सामने। अरे ये आग का गोला कर देगा मेरा। नहीं 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 नहीं। आंखें खोलो, तौबा तौबा। अरे चल परी की आवाज है, लगता मुझे गया मैं पहुंच अथवा ब्रह्मांड के चक्र में। बेवकूफ, मैं छल लोक में ही हूँ तुम्हारी नजरों के सामने, और वो भी जीवित। चल परी आप। बालवीर, 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 डुबा डुबा एक तुम यहाँ। बस बालवीर बस, तुम्हारे सवाल बाद में, पहले मेरे जवाब सुनो। पहले मेरे सवाल सुनो। हाँ तो पूछो। क्या? अरे सवाल। अरे हाँ, है मेरा सवाल कि बालवीर बताओ, क्या मानते हो तुम मुझे अपना मित्र? ये कैसा सवाल है? है सवाल अपने मित्र का। बालवीर बताओ, क्या तुम मुझे अपना मित्र मानते हो? नहीं बोलो कि हो तुम मेरे मित्र। हाँ हाँ, तो मैं हूँ तुम्हारा मित्र, ठीक है। अच्छा, अगर तुम मानते हो मुझे अपना मित्र, तो ये भी मानते होंगे कि एक मित्र के अपमान का बदला लेना है परम कर्तव्य एक मित्र का। हाँ हाँ डुबा डुबाई, लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। अपमान, घोर अपमान है क्या उस मोंटू ने मेरा अपमान, अभी बच्चों के सामने। बालवीर दे दो तुम सजा उस मोंटू को और ले लो मेरा अपमान का बदला। लेकिन डुबा डुबाई, मोंटू ने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन कैसे? और तुम यहाँ पृथ्वी लोक पे क्या कर रहे हो? अब वो दरअसल आया था मैं पृथ्वी लोक पे तुम्हें बुलाने, तो दिख गई सामने मुझे वो हिमक्रीम। तो जब गया मैं वो हिमक्रीम लेने, तो आया वहां पर वो मोंटू और छीन ली मेरी हिमक्रीम और किया मेरा अपमान बच्चों के सामने। लेकिन डुबा डुबाई, तुम्हें पता है ना कि बिना परियों की आज्ञा के तुम्हारा पृथ्वी लोक पे आना मना है। हाँ हाँ, वो जानता मैं कि हो गई मुझसे भूल और मिलनी चाहिए मुझे इसकी सजा, लेकिन मुझसे पहले दे दो तुम सजा उस मोंटू को और ले लो मेरे अपमान का बदला। ठीक है, सजा तो मैं दूंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं खुद जांच करूंगा कि गलती किसकी है, उसके बाद मैं सजा दूंगा, ठीक है? हाँ तो करो जांच करो, वो नहीं मैं डरता। मेरे पास सिर्फ एक ही बच्ची है। आप वो एक आइसक्रीम मुझे दे दो, क्योंकि वो आइसक्रीम मुझे खानी है। ए, ये आइसक्रीम वापस कर, ये मेरी है। नहीं, ये हिमक्रीम मेरी है, क्योंकि मेरी नजर पहले पड़ी थी इस पे। हाँ, ते भी बढ़िया चीज खिलाता हूँ, मेरा मुक्का। गलती तो हुई। हाँ, लेकिन मोंटू से नहीं, तुमसे। मोंटू ईमानदारी से पैसे देकर हिमक्रीम खा रहा था, लेकिन तुमने वो हिमक्रीम उससे छीनना चाहिए, यही तुम्हारी गलती है।
इसलिए सजा मोंटू को नहीं तुम्हें मिलेगी। अरे क्या बालवीर तुम भी, अब नहीं देनी मुझे किसी को भी सजा। जैसे हो तुम मेरे मित्र, ठीक वैसे है वो मोंटू मेरा मित्र। पृथ्वी लोक के सारे बच्चे हैं मेरे मित्र। कर रहा था मैं तो मजाक, डुबा डुबा एक। अब तुम सीधे परी लोग जाओ, वरना परिया तुम्हें सजा देंगी, समझे? अब है ठीक, हो जाता मैं। अरे बालवीर तो चला गया, लेकिन उसे मक्खी को सजा देने वाली बात बतानी तो रहेगी। काश होता मैं भी महाशक्तिशाली, तो कर देता उस मोंटू की जमकर पिटाई। नहीं नहीं, है वो मोंटू बहुत शक्तिशाली। नहीं नहीं, है वो मोंटू बहुत शक्तिशाली और हूं नहीं मैं इतना शक्तिशाली। अरे शक्तिशाली क्या, बन सकता हूँ मैं महाशक्तिशाली अगर पी लूं मैं वो नटखट परी का बनाया हुआ महाशक्तिशाली ईंधन। महाशक्तिशाली ईंधन। चल परी को मेरा सलाम, चल परी को मेरा सलाम, चल परी को मेरा सलाम। धगड़ धूम धूम, धगड़ धूम धूम। चल परी आपको जीवित देख के आ गया मजा, पर किसी को तो मिलेगी अब सजा। वैसे चल परी है कहाँ? परी भयंकर, मैं और भयंकर परी हम दोनों ही जीवित हैं। है परी भयंकर भी जीवित? अरे हुई कैसे ये दुर्घटना, मतलब हुआ कैसे ये चमत्कार? हाँ छल परी के छल से हुआ है ये चमत्कार। या काशक मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, अगर मैं एक बार इस पर चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। क्या करूं? नहीं, नहीं। शाबाश चल परी, तुमने अपनी समझदारी से हमें उस आकाश चक्र में जाने से बचा लिया। हम तो बच गए, लेकिन उन परियों को अब हमसे कौन बचाएगा? चलो भयंकर परी, उन परियों के सुर ताल बिगाड़ते हैं। नहीं चल परी, मुझसे अब नहीं चला जाएगा। क्षमा करो, अब अकेले ही तुम्हें उनसे लड़ना पड़ेगा, जब तक मैं अपनी सारी शक्तियां वापस ना हासिल कर लूं। करारा जवाब देना उन परियों को छल परी, अपनी बुराई को हारने मत देना। जाओ छल परी, जाओ। परियों ने चाल तो सही चली थी मुझे हमेशा हमेशा के लिए आकाश चक्र में फंसाने की, लेकिन मैंने उनकी इस चाल को नाकामयाब कर दिया। लेकिन अब जो मैं खेल खेलूंगी परियों और बच्चों के साथ, उसमें बालवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।